देख रहे हैं राज तक न्यूज। मेरा नाम रामसेवक राजभर। इस वक्त की हम ब्रेकिंग न्यूज बता दें कि आपकी चुनावी चक्का जितनी रफ्तार धर रही है उसी तरह प्रत्याशी भी अपना ताल ठोकना शुरू कर दिए हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं जिहारुद्दीन अंसारी जी, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कैमरामैन से बता दें, थोड़ा पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। किस मुद्दा को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ जो पडरौना विधानसभा है तो यहाँ नेता एक दल से दूसरे दल में तो ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन पडरौना के डेवलपमेंट और पडरौना के विकास के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो पडरौना का जो विकास का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, खेती का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात कि जो भी विधायक यहाँ होते हैं तो वो विधायक बनने के बाद जो जनता उनको बनाती है नेता, वो जनता को भूल जाते हैं, जनता को सुलभ उपलब्ध नहीं होते हैं। और हम लोगों की टीम पिछले 12 सालों से इन तमाम मुद्दों पे यहाँ काम कर रही है, और बहुत जल्द एक विधायक जन सुनवाई केंद्र बनाकर लोगों के बीच में, अगर पडरौना की जनता मौका देती है तो लोगों के बीच में एक ऐसा केंद्र बनाया जाएगा कि जिससे जनता को विधायक के वहाँ दरबार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि विधायक खुद जनता के दरबार में आएगा और उनकी समस्याओं को सुनेगा। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही 300 प्लस हमारी सीट निकलेगी, क्या कहेंगे? अब तो देख ही रहे हैं, अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि यार ये तो रोड शो बेकार हो गया, इसको बंद कराओ। दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें योगी जी अपने नेता और अधिकारी पर खूब बरस रहे हैं क्योंकि कुर्सियां पूरी खाली है। तो और देखिए, कहीं ना कहीं जो है ये आचार चुनाव आयोग भी जो है, ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी सत्ता का दबाव है। यही कारण है कि जो विपक्ष में पार्टियां हैं उन पार्टियों को खुलकर ना प्रचार करने दिया जा रहा है और ना ही खुल कर रैलियाँ करने दी जा रही है। अब कारण जो भी बताया जा रहा हो, और हकीकत यह है कि बीजेपी की रैलियों में जनता उनको खदेड़ने का काम कर रही है। तो 300 प्लस तो दूर है, अगर 50 प्लस आ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप तो पडरौना विधानसभा प्रत्याशी भी हैं, तो कांग्रेस पार्टी किस मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ रही है? अभी मुद्दा हमने आपको बताया, मुद्दा वही है, सड़क का, बिजली का, चिकित्सा का, किसानों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे कि आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की मिल बहुत ज़्यादा दिन से बंद है, तो क्या कहेंगे मिल को लेकर? अब 2014 में मोदी जी ने कहा था कि सोनिया के लाडले शुगर फैक्ट्री तो चलवा नहीं पाए, और हमारे लाडले को चुनाव जीता कर भेजिए तो हम शुगर फैक्ट्री चलाएँगे। तो आज सोनिया के जो लाडले थे वो आज मोदी जी के लाडले बन गए हैं, तो हो सकता है कि कहीं वो शुगर फैक्ट्री चलाने का काम करें। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है और यहाँ की जनता हमको मौका देती है तो हम कांग्रेस पार्टी की सरकार से, और या किसी और की भी सरकार आती है और जनता मौका देती है, तो सदन में पडरौना के किसानों के लिए ये मुद्दा उठाया जाएगा और पूरे तरीके से कोशिश किया जाएगा कि या तो जो बंद शुगर फैक्ट्री उनको चलाया जाए या फिर इस एरिया में किसी नए शुगर फैक्ट्री की स्थापना की जाए। कांग्रेस पार्टी कुल कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है? देखिए, 403 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो में महिलाएं, नौजवानों को एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है, और आने वाले समय में बेहतर उत्तर प्रदेश बनाने का विकल्प सिर्फ कांग्रेस ही है। प्रियंका गांधी हाल ही में कहीं एक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या नौबत जैसे आ गया उनके अंदर की ऐसा कहना पड़ा? इसलिए कहना पड़ा कि यहाँ लड़कियों को के साथ बलात्कार होता है, लड़कियों को के उनके परिजन के बिना ही अगर उनकी हत्या कर दी जाती है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो रात्रि में जला दिया जाता है, वो भी मिट्टी का तेल डाल करके। इसलिए कि यहाँ महिला अगर कोई ब्लॉक प्रमुख का पर्चा भरने जाती है तो उसे गुंडों के द्वारा उनका वस्त्र खींचने का काम किया जाता है। इसलिए कि अगर किसी पीड़ित रेप पीड़िता है तो उसके जो दोषी हैं उनको ये सरकार बचाने का काम करती है, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देती है, ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो लड़कियों के सिर्फ कह देने से, बयानबाजी कर देने से तो लड़कियों का उत्थान होगा नहीं, उनके अंदर वो शक्ति तो आएगी नहीं जिस शक्ति के लिए नारी शक्ति जानी जाती है। तो प्रियंका गांधी जी ने उन्हें सियासत में, उन्हें राजनीति में स्थान देके और ये कहा कि 40% हम अपने टिकटों में महिलाओं को स्थान देंगे, इसलिए उन्होंने ये नारा दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ पुरुषों की ज़रूरत ही हर जगह पे पड़ेंगी, जब लड़कियां खुद स्वावलंबी होंगी, खुद अपनी शक्ति को पहचानेंगी तो इस नारे के साथ एक नई नारी शक्ति का उत्थान होगा और आने वाले हर जगह पर वो लड़ती हुई नजर आएंगी। आपसे एक और सवाल कि आप पडरौना विधानसभा की जनता से क्या आह्वान करना चाहते हैं? देखिए, पडरौना विधानसभा की जनता से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने इस भाई पर, अपने इस बेटा पर भरोसा रख करिए। जिस तरह पिछले 12 वर्षों तक हमने तमाम ऐशो आराम की ज़िंदगी को ठुकरा कर आपके सेवा
को चुना, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे हो, तो अगर एक मौका आप देते हैं अपने इस भाई को, इस नौजवान को, साधारण परिवार को, तमाम धुरंधर लड़ रहे हैं, ऐसे भी धुरंधर लड़ रहे हैं जो नकली शराब के कारोबारी भी हैं, ऐसे धुरंधर भी लड़ रहे हैं कि जो तमाम राजनीतिक पद सिर्फ अपने घर में रखना चाहते हैं, चाहे BDC का हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का हो, चाहे जिला पंचायत का हो या प्रधानी का हो, तो ये लोगों का राजनीति सेवा नहीं बल्कि राजनीति धनुगाही का एक जरिया मानते हैं, और हम लोगों ने सेवा के रास्ते को चुना। और आने वाले दिनों में अगर आप मौका देंगे तो पडरौना की एक बेहतरीन तस्वीर आपको नजर आएगी। आने वाले 3 मार्च को कांग्रेस के पंजा निशान वाला बटन दबाकर अपने इस भाई को विजयी बनाएं। तो नमस्कार, बने रहिए राजतक न्यूज चैनल के साथ। तो हम ऐसी विधानसभा की खबरें दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए राजतक न्यूज चैनल के साथ। थैंक